गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक नया चैप्टर 17वें नंबर का शुरू करने जा रहे हैं, सेंटेंस और सेंटेंस के भाग, मतलब सेंटेंस के जो दो भाग होते हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, उसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट करना शुरू करना है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रारंभिक चीजों के विषय में जान लें कि इंग्लिश भाषा की शुरुआत होती कैसे है, सीखने के लिए कहां से शुरू करेंगे, किसके बाद क्या होना चाहिए, इसके विषय। इसलिए यह हेडिंग डाला गया बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, लैंग्वेज, सबसे पहले लैंग्वेज भाषा है क्या, उसके बाद अल्फाबेट, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट वर्णमाला क्या है, उसके दो स्वरूप कंसोनेंट्स एंड वॉवल्स, वर्ड क्या है, शब्द, शब्द की रचना कैसे होती है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, फिर फ्रेज वाक्यांश, फिर क्लास के विषय में उपवाक और सेंटेंस, और फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये हेडिंग है, इस हेडिंग में भाषा, अल्फाबेट, वर्ड, फ्रेज, क्लास और सेंटेंस। जब सेंटेंस पे पहुंचेंगे तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के लिए, लेकिन इसके पहले यह जानना आवश्यक है। इसी क्रम में इसकी शुरुआत की जाती है वीडियो 17वें चैप्टर का वीडियो नंबर 1 से। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ थॉट, भाषा विचारों का वाहन है, मतलब इसके माध्यम से हम अपनी बात लिख करके बोल करके दो लोगों तक पहुंचाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। कोई भी भाषा हो, जो विचार हमारे मन के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं, जो हम सोचते हैं, वह दूसरों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। वह भाषा सांकेतिक भी हो सकती है, शब्दों के माध्यम से हो सकती है, लिख करके हो सकती है, यानी अपनी अभिव्यक्ति के कई संसाधन है, संकेत के माध्यम से हो सकती है। तो इस प्रकार से भाषा जो है विचारों का वाहन है, लैंग्वेज इज द व्हीकल वाहन ऑफ थॉट। यहां बात इंग्लिश लैंग्वेज की हो रही है। इंग्लिश लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अंग्रेजी जो है विश्व की सबसे प्रमुख भाषा है। इट इज ए प्रैक्टिकल लैंग्वेज फॉर द गुड जॉब्स, बिजनेस, मोस्ट ऑफ द गुड बिजनेस आप डील्ड विथ इन इंग्लिश लैंग्वेज। अधिकांशता जो बड़े बड़े व्यवसाय हैं, बड़े बड़े कार्य हैं, वो अंग्रेजी भाषा में संचालित किए जाते हैं। व्यापार इत्यादि, उद्योग इत्यादि अधिकांशता इंग्लिश में चलता है, यानी अघोषित रूप से यह अंग्रेजी भाषा विश्व की नंबर एक महत्वपूर्ण भाषा बन गई है, और व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग अधिक से अधिक हो रहा है, अच्छे नौकरियों में, अच्छे कार्यों में, अच्छे व्यवसाय में। तो इसलिए इंग्लिश भाषा को जानना आवश्यक है। यह तो इसका इंपॉर्टेंस रहा, इसका महत्व रहा। अब आइए अल्फाबेट। शुरुआत, किसी भी भाषा की शुरुआत करने के लिए वर्णमाला आवश्यक होता है, जैसे हिंदी में क ख ग अ आ ई इत्यादि है, उसी तरह से इंग्लिश में अल्फाबेट वर्णमाला। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला अल्फाबेट में कुल 26 अक्षर है। There are 26 letters in the English alphabet. अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला में 26 अक्षर हैं। इनमें A, E, I, O, U 5 जो letters हैं, A, E, I, O, U, ये 5 अक्षर को vowels कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। और शेष 21 यानी 21 अक्षर जो बचे, उस 21 अक्षर में B है, C है, D है, F, G, H है, J है, K है, L, M, N है, P है,
क्यू है, आर है, यस है, टी है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये 21 है। इस 21 को व्यंजन कहा जाता है, कंसोनेंट्स कहा जाता है। यानी इंग्लिश में जो 26 अक्षर है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक है वॉवल्स, जिसमें ए ई आई ओ यू 5 अक्षर है, और शेष जो 21 बच गए बी सी डी से लेके जेड तक, वह कंसोनेंट्स यानी व्यंजन कहलाते हैं। अब आइए वॉवल्स, स्वर, जिन अक्षरों के बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता न लेनी पड़े, यानी किसी अक्षर के उच्चारण में अगर दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, उन्हें वॉवल्स कहते हैं। जैसे ए, ए में बस एक का, ई बस वो, यानी ऐसे अक्षर जिन्हें बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर वावस कहा जाता है। जैसे ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर हैं जिनके बोलने में किसी दूसरे अक्षर की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब ये कंसोनेंट्स व्यंजन, जिन अक्षरों के बोलने किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता लेनी पड़े, उसकी जरूरत पड़े, जिन अक्षरों का उच्चारण करने पर बोलने में किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता हो, उसकी सहायता लेनी पड़े, वो व्यंजन कहलाते हैं, कंसोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे बी सी डी इत्यादि, ऊपर जो 21 दिया गया है उनकी बात है, ये 21 अक्षर। यानी आपने वर्णमाला अल्फाबेट को दो भागों में बटा हुआ देखा, एक स्वर वॉवल्स जिसे 5 है ए ई आई ओ यू, इनके उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी 21 है, 21 जिसे कंसोनेंट्स कहा जाता है, इनके उच्चारण में दूसरे अक्षर की सहायता लेनी पड़ती है। अब आइए वर्ड सब, अब आप यहां पहुंच गए वर्ड सब। सब ए वर्ड इज ए बेसिक एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, ए वर्ड इज ए बेसिक एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरीज ऑन ऑब्जेक्टिव आर प्रैक्टिकल मीनिंग। ए वर्ड इज ए बेसिक एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, एक शब्द जो होता है वह मौलिक तत्व होता है, भाषा का मूल तत्व है, दैट कैरीज एन ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल मीनिंग, जिसका कोई ना कोई एक उद्देश्य अथवा व्यवहारिक अर्थ होता है। कैन बी यूज्ड ऑन इट्स ओन, यह स्वयं में प्रयोग किया जा सकता है, एंड इज अनइंटरप्टेबल, और इसमें कोई बाधा नहीं होती। उसी को हिंदी में दिया गया, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहा जाती है। यानी एक या एक से, जैसे ए लिखते हैं ओ कह दिया जाता है, क्या है ये अकेले अक्षर शब्द बना हुआ है ए, तो उसी के लिए यहां दिया गया कि एक या एक से अधिक वर्णों के, कुछ ही है जो एक वर्ण से बनता है, वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई, यानी उसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं, सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। भारतीय संस्कृत में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, यानी भारत के संस्कृत में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। मतलब यह हुआ कि शब्द अक्षरों का समूह है, एक अक्षर अथवा कई शब्दों, एक अक्षर से भी शब्द बन जाता है। जैसे ए आर्टिकल ए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ, ओ गॉड, ओ क्या है, एक शब्द है। तो इस तरह से एक अक्षर से या कई अक्षरों का समूह, जैसे आर ए एम राम, 3 अक्षरों का समूह हुआ जिसका एक सार्थक शब्द। तो कह रहा कि वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैव इट्स मीनिंग, शब्द जो है अक्षरों का समूह है जिसका कोई ना कोई भाव होता है। या सीधे कहिए, अगर केवल कहते हैं कि शब्द अक्षरों का समूह है, वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, तब यह दो हो जाएगा, एक निरर्थक शब्द और एक सार्थक शब्द, आगे डिवाइड किया गया है,
यानी वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, शब्द अक्षरों का समूह है। चूंकि हम लोगों को केवल सार्थक शब्द से मतलब होता है इसलिए जोड़ दिया जाता है वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच हैव इट्स सम मीनिंग, जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो, निरर्थक से हमारा कुछ लेना देना नहीं। अब आइए ए लेटर दूसरी परिभाषा आपको दी जाए, ए लेटर आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए लेटर आर ग्रुप ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंटिंग सच ए यूनिट ऑफ लैंग्वेज, करा एक अक्षर अथवा अक्षरों का ऐसा समूह रिप्रेजेंटिंग सच ए यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा की एक ऐसी इकाई को प्रस्तुत करती है, रिटन लिखा हुआ और प्रिंटेड या छपाई किया हुआ, यूजुअली इन सॉलिड जो बिल्कुल ठोस अथवा हाइफनेटेड फॉर्म अथवा अभिव्यक्ति के रूप में होती। तीसरा है ए वर्ड इज सिंगल यूनिट, शब्द जो होता है एक इकाई होता है ऑफ लैंग्वेज, शब्द किसी भाषा का एक इकाई है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन राइटिंग और स्पीच, जिसको लिख करके या बोल करके प्रयोग किया जा सकता है। ए वर्ड इज ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, शब्द एक इकाई होता है, भाषा का इकाई है, जैसे हर चीज के पैमाने के लिए एक इकाई होता है वैसे ही शब्द एक इकाई है, सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द राइटिंग एंड स्पीच, जिसे लिख करके ये लेखनी में या बोल चाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। इन इंग्लिश वर्ड हैज ए स्पेस, अंग्रेजी में शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो जगह रहता है, और आइदर साइड यानी एक शब्द के दोनों तरफ जगह छोड़ दी जाती है। ऑफ इट वेन इट इज रिटन, अंग्रेजी में जब यह लिखा जाता है शब्द तो इसके आगे भी इसके पीछे भी जगह छोड़ दी जाती है, सारे शब्दों के आगे पीछे एक गैप बना रहता है। उसी बात को हिंदी में समझाया गया, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता, या वर्णों या ध्वनियों के सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। कहना दो या दो से, यहां एक को छोड़ दिया, इसलिए कि सिंगल लेटर में केवल ए बनता है, वो बनता है एकाद और है, अधिकांशतः तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से ही बनते हैं, लेटर्स के मेल से बनते हैं, इसलिए हिंदी में जो दिया दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे शब्द ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, या वर्णों या ध्वनियों के सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों का या ध्वनियों का आवाजों का सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, जैसे घर यानी हाउस, कार, ब्रेड यानी रोटी, कपड़ा आदि। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है, यह जो शब्द है घर, कार, रोटी, कपड़ा इत्यादि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है, वर्णों के ये मेल सार्थक हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है, इसलिए इसे शब्द आप कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड सार्थक शब्द, और जैसे है ए डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल का मतलब सेव, और मीनिंगलेस निरर्थक शब्द जैसे यस ए जेड एक्स साइजक्स, इसकी कोई अर्थ नहीं होता, यानी आप कोई अक्षर लिख दीजिए जिसका कोई मतलब ना हो तो निरर्थक शब्द कहलाता है, यानी अर्थ के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक शब्द मीनिंगफुल, निरर्थक शब्द मीनिंगलेस वर्ड। सार्थक शब्द वह होता है जिसका कोई न कोई भाव हो, कोई न कोई अर्थ हो, निरर्थक शब्द वह है जिसका कोई अर्थ नहीं हो, सार्थक जैसे कार है, हाउस है, यह क्या है सार्थक शब्द है, लेकिन आप केवल का दे ट
उसका कोई मतलब नहीं। सार्थक शब्दों से पूर्ण भाव व्यक्त होता है, जबकि निरर्थक शब्दों का कोई भाव प्रकट नहीं होता। सार्थक शब्द के मीनिंग शब्दकोश डिक्शनरी में दिए गए होते, यानी जो मीनिंगफुल शब्द है उसका शब्दकोश में अर्थ लिखा रहता है। इसके विपरीत निरर्थक शब्द शब्दकोश में नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कोई अर्थ होता ही नहीं, इसलिए निरर्थक शब्द का शब्दकोश बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिक्शनरी में केवल उन्हीं शब्दों को रखा जाता है जिनका कोई न कोई अर्थ हो। सार्थक शब्दों के बोलने या लिखने में केवल सार्थक शब्द का ही प्रयोग करते हैं, यानी बोलना जाता है या लिखा जाता है उसमें केवल सार्थक शब्द आते हैं। सार्थक शब्दों के बोलने या लिखने में हम उनका प्रयोग प्रायः समूह ग्रुप में करते हैं। एकाद है जैसे इंपरेटिव गो, अकेले हो जाता है, रन भागो, लेकिन अधिकांशता प्रायः हम सार्थक शब्दों को बोलने या लिखने के लिए समूह में ग्रुप में प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन केम हियर यस्टरडे, मोहन कल यहां आया या कल मोहन यहां आया था, इस शब्द समूह से पूर्ण भाव व्यक्त होता है। अब इस शब्द समूह से पूर्ण भाव व्यक्त होता है, इसका मतलब आप पहुंच गए सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस शब्दों का एक समूह है जिसका पूरा अर्थ होता है, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हम सेपरेट कर सकते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ दी वर्ड्स, वाक्य शब्दों का समूह है, विच हैव इट्स फुल मीनिंग, जिसका पूरा भाव होता है, एंड वी कैन सेपरेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हम उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट छाड़ सकते हैं। अब उसी में इसकी चर्चा अगले वीडियो में विस्तृत रूप से की जाएगी। फ्रेज क्या है? फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, वाक्यांश भी शब्दों का समूह है, बट इट हैज नो फुल मीनिंग, लेकिन इसका पूरा भाव नहीं होता। इट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, या वाक्य का एक भाग होता है। जैसे इन द मॉर्निंग, सवेरे, ऑफ गुड, इन द इवनिंग, इन स्पाइट ऑफ, ये क्या है? फ्रेज है, इसकी भी चर्चा आगे की जाएगी। फिर है क्लास, उपवाक्य, खंडवाक्य। खंडवाक्य किसी वाक्य का एक भाग होता है। क्लास इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच है इट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उपवाक्य किसी वाक्य का भाग है जिसका अपना कर्ता और क्रिया होती है। इस तरह से आपने लैंग्वेज देखा, अल्फाबेट के विषय में इंग्लिश देखा, उसका इंपॉर्टेंस देखा, वर्ड देखा, वर्ड दो तरह का देखा, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, और फिर उसके अगले वाले वीडियो के अंतर्गत फ्रेज, क्लास, सेंटेंस के विषय में चर्चा की जाएगी, फिर उसके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का किया जाएगा। थैंक यू।